नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम श्वेतांग घोष फ्रॉम rentedproperty.com। तो दोस्तों, आज हम नोएडा एक्सप्रेस वे पे है एंड मैं आपको सेक्टर 156 सेक्टर 156 में 10,000 मीटर का इंडस्ट्रियल शेड दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 1,00,000 स्क्वायर फीट का इंडस्ट्रियल शेड है। एंड अगर हम रेंट की बात करें तो 35,00,000 रुपये महीना 35,00,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर रेंटल्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज सेक्टर 156। ये आप देख रहे हैं, ये TCS का प्लॉट है, लगभग बहुत बड़ा प्लॉट है, लगभग 75,000 मीटर का प्लॉट है। ये बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है एट नोएडा एक्सप्रेसवे। रूट्स आप देख पा रहे हैं, लगभग 60 मीटर की रोड है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सेक्टर है, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, ब्रांड न्यू शेड है। आपको कोई भी बड़ा प्लॉट चाहिए हो यहाँ पे 10,000 मीटर, 20,000 मीटर, 50,000 मीटर, 1,00,000 मीटर, तो यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। जिसको बड़ी फैक्ट्री, बड़ा प्लांट लगाना हो एट अफोर्डेबल प्राइजेस में, यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल सकते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रांड न्यू, यहाँ पे ग्रीन एरिया बहुत है। यहाँ पे जो लगभग इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये मीटर के आसपास यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रेट है, जो NCR में इस प्राइस में ये साइज आपको नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट से बात करें तो यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट यहाँ से लगभग हाफ एन आवर की ड्राइव है, लगभग 25-30 किलोमीटर की ड्राइव है और नॉन स्टॉप है। एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर की आपकी आराम से रहेगी। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बैंक ऑपोजिट है यहाँ पे। सेक्टर आप देख पा रहे हैं, वो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 148 का, जो बिल्कुल ऑपरेशनल है, कोई इफ एंड बट नहीं है यहाँ पर। तो आइए मैं आपको इंडस्ट्रियल शेड दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत फैक्ट्री ऑपरेशनल हो गई है, यहाँ पे पेटीएम का यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे आपका अडॉप्ट करके ऑपरेशनल हो गई है फैक्ट्री यहाँ पे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्डिंग का, फसाद का, शेड का आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाने जा रहा हूँ, जो ब्यूटीफुली बिल्ट है। इट्स अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग शेड, अवेलेबल फॉर लीज ऑल्सो, फॉर सेल ऑल्सो। आपको ऐसे ख़रीदने के लिए भी चाहिए तो हमारे पास ख़रीदने के लिए भी ऑप्शन है। बिल्डिंग प्लॉट चाहिए, प्लॉट के भी हमारे पास ऑप्शन है। प्लॉट्स का रेट मैं आपको बताया था 20 से लेकर 25,000 रुपये रेंज करता है। लोकेशन के यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे फेसिंग देखेंगे तो 30 से 35,000 रुपये का रेट भी है। रोड्स आप देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड है। इसके बगल में एक कंपनी है एडवर्ब करके, वो बिल्कुल ऑपरेशनल है, रेडी फॉर वर्क है। बिल्कुल जैसे मैं आपको बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, सिमिलर कंडीशन में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो आइए मैं आपको बिल्डिंग का अंदर ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली लैंडस्केपिंग किया हुआ है। दो गेट हैं, वन फॉर द एंट्री एंड वन फॉर द एक्सिट। इस शेड की एक बहुत बड़ी USP है, जो ये जमीन से लगभग 1100 mm ऊपर बना हुआ है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, उनको ना शेड के लिए थोड़ा हाइट ज़्यादा चाहिए होता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल।
एक तो पानी का भी होता है कि सीधा रैंप लगता है, ट्रक लगता है और आपके ट्रक एंटर कर जाता है। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं लगभग मेरे कमर तक आ रहा है। इसके अंदर एक पैसेंजर लिफ्ट है, एक गुड्स लिफ्ट का है। गुड्स लिफ्ट पैसेंजर जो लिफ्ट है वो इंस्टॉल्ड है। गुड्स लिफ्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट हम आपको लगवा के इंस्टॉल करके दे देंगे। हमारे जो लीज टर्म्स होती हैं वो होती है 9 ईयर्स की लीज़ होती है, 5 ईयर्स का लॉक इन होता है, 6 मंथ्स की सिक्योरिटी होती है एंड 5% एस्केलेशन एवरी ईयर। एंड जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको क्लाइंट को बेयर करनी होगी, लेसी को। एंड रेंट परमिशन हम आपको लेके दे देंगे फ्रॉम द नॉर्द अथॉरिटी। फायर NOC हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी, वी हैव दैट। दिस इज योर ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। This is the second guard room. It's beautifully made. Rent expectation is 35 lakh rupees per month. 35 lakh rupees per month. ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ 11,000 स्क्वायर फीट का ये आपका RCC ऑफिस ब्लॉक है। आप देख पा रहे हैं लाल रंग की फायर की पाइपिंग्स हैं। नेचुरल लाइट आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी नेचुरल लाइट है। दिस इज़ द शेड एरिया। शेड का जो एरिया है 62,000 स्क्वायर फीट, ब्रांड न्यू शेड, इंसुलेशन एंड बबल हैज़ बीन डन। इंसुलेशन आप देख रहे हैं हो रखा है, बबल हो रखा है, कूलिंग की बहुत अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। जो भी हमने स्टील यूज़ किया है टाटा या GSW का हमने यूज़ किया हुआ है उस स्टैंडर्ड का। टोटल हमारे पास 5 शटर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 शटर्स फॉर द ट्रक्स। NIU ऊपर देख रहे हैं कि ये मेजलाइन फ्लोर है, वो भी 11,000 स्क्वायर फीट का है। ग्राउंड फ्लोर की जो लोड कैपेसिटी है दैट इज 1,000 किलोग्राम मेट्रिक टन।
दिस इज द लिफ्ट, पुणे लिफ्ट। This is the passenger lift, provision for the passenger lift. Lease terms will be 9 years lease period, 5 years lock-in, six months security, and 5% escalation every year. Rent permission हम आपको लेके देंगे फ्रॉम द अथॉरिटी, नॉट द अथॉरिटी, एंड स्टैम्प ड्यूटी हैव टू बियर बाई द टेनेंट, एंड इट इज़ वेरी गुड लोकेशन, लोकेशन बहुत अच्छी है ऑन द एक्सप्रेस वे, एंड बहुत अच्छी लोकेशन है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको कोई भी बड़ा प्लांट लगाना है तो इससे अच्छी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के बाद ऑपरेशन होने के बाद इसकी वैल्यू बहुत अप हो जाएगी, बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही चीज़ आपको 40,000-50,000 पर मीटर चीज़ें मिलेंगी। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करने का प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट दिस लोकेशन। बहुत पीसफुल एरिया है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी आर गिविंग स्पेशल डिस्काउंट्स टू स्टार्टअप्स आल्सो, वी आर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हो जाएगी। Which is double height. यहाँ पे ग्लास दे रखा है कि यहाँ से आप वॉच कर पाएंगे अपने ऑपरेशंस को। Vitrified tiles. This is the passenger lift. Oh, sorry, this is the goods lift area. This is the passenger lift for the 13 passenger. This is 11,000 square feet basement. Which you can use for the godown purpose. Friends, यहाँ पे आप electronic manufacturing कर सकते हैं, warehousing कर सकते हैं और बहुत चीज़ें यहाँ पे। This is suitable for manufacturing, warehousing purpose, electronic companies, medical companies, startups. ये आप देख पा रहे हैं, ये ड्राइववे है। ईजीली आपके ट्रक्स या ट्रॉलीज आ सकती हैं, देयर इज एम्पल स्पेस।
विथ प्लिंथ। एक आपका रैंप बना हुआ है, एक आपका स्टेयरकेस बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 180,000 लीटर का वाटर टैंक बन रहा है। ये आपका हमारे एक्सपेंशन के लिए बन रहा है, लगभग 11,000 स्क्वायर फुट का ही शेड बन रहा है यहाँ पे। हमारे पास इंडस्ट्रियल शेड्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 स्क्वायर फीट टू 20 लाख स्क्वायर फीट के इंडस्ट्रियल शेड्स अवेलेबल हैं। आपको आरसीसी चाहिए हो 5,000 स्क्वायर फीट से टू 20 लाख स्क्वायर फीट, 20 लाख स्क्वायर फीट, वी हैव दैट। आरसीसी का जो रेंट होता है लगभग 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट का, शेड्स का जो रेंट होता है लगभग 30 रुपये से लेके 35 रुपये स्क्वायर फीट, 30 to 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस, आपको कैसी लोकेशन सूट करती है। ये आप शेड देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वॉशरूम का एरिया है यहाँ पे। दिस इज द जेंट्स वॉशरूम। होप आपको ये आर्किटेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट यही है, इसके अंदर यूएसपी यही है कि इंटीरियर करके आपको क्लाइंट को देना नहीं पड़ता, क्लाइंट वो इन्वेस्ट आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। जब क्लाइंट आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो वो ऑब्वियसली वो सस्टेन करेगा, और ये जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं ये सब सस्टेनेबल चीज़ें हैं। अगर जिस दिन क्लाइंट इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपके लिए रिस्क फैक्टर हमेशा बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे प्लॉट्स, बड़े प्लॉट्स अच्छे लगते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेफ रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, हैव फन, थैंक यू।